तो गाइस फाइनली 1.20 अपडेट आ गया है जिसमें हमें ढेर सारा चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि न्यू चेरी ब्लॉसम बायो, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्मर ट्रिम्स और भी बहुत सारे न्यू एनिमल्स। इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है और इसी काम को और भी मुश्किल करने के लिए हमारे पास कुछ टारगेट्स भी है। नंबर 1, चेरी ब्लॉसम बायोम को ढूंढना। नंबर 2, एक प्यारा सा विलेज ढूंढना। नंबर 3, उस विलेज में रहने के लिए एक हाउस बिल्ड करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है 1.20 वाला वर्ल्ड। वर्ल्ड कोई भी हो, पहले तो हमें वुड कलेक्ट करना है और सामने कुछ शिप्स भी है, मतलब बेड के इंतजाम तो हो गया। फटाफट से वुड कलेक्ट कर लेते हैं। वुड से सिर्फ हम एक एक्स बनाएंगे और इन गरीबों को मार के एक बेड बनाया। फिर हम निकल पड़े चेरी ब्लॉसम बायोम को ढूंढने। थोड़ी दूर आने के बाद मुझे एक रिवर मिला और जैसे ही उसे पार किया मुझे चेरी ब्लॉसम बायोम दिखने लगा। इस बायोम को ढूंढना बहुत ही ईजी है। यहाँ से कुछ वुड कलेक्ट करेंगे और कुछ सैपलिंग्स, सिर्फ 3 ही सैपलिंग मिला है। यहाँ से निकलने के बाद मैं चला गया कॉबल स्टोन माइन करने। इनफ कॉबल स्टोन होने के बाद वुडन टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर लिया। फिर हम निकल पड़े विलेज ढूंढने। यहाँ पे विलेज ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है। कुछ दूर आने के बाद मुझे एक आउटपोस्ट दिखा और वहाँ से मैं कल्टी मार लिया और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मुझे विलेज दिख गया। और जैसे ही मैं विलेज का बीचों बीच आ गया तभी मुझे दिखा रुइन पोर्टल। फटाफट मैं उस चेस्ट को ओपन किया और उस चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल और गोल्डन सॉर्ड के अलावा कुछ नहीं था। इस घर में थोड़ा बहुत खाने का सामान हो सकता है, तो फाइनली खाने का इंतजाम हो गया और फिर मैं चला गया कोल माइन करने। बहुत सारा कोल मिलने के बाद उससे कुछ टॉर्चेस बनाया और फिर चला गया केव एक्सप्लोर करने। केव में जाते ही मुझे कुछ आयरन मिल गया। सारा आयरन कलेक्ट करने के बाद मेरे सामने कुछ मॉब्स आ गया जिसे मैंने इजीली मार दिया और एक क्रीपर भाई ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। और फिर मैं चला गया केव को और एक्सप्लोर करने। केव में और अंदर जाने के बाद बहुत आयरन और कोल दिखने लगा जिसे मैं फटाफट कलेक्ट करने लगा। केव और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक माइन शाफ्ट मिला जिसके अंदर और भी बहुत सारा आयरन मिला। केव से बाहर आते वक्त मुझे एक एमथिस वर्ल्ड मिला। इस केव से जितना आयरन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन इससे मेरा एक आयरन आर्मर तो हो ही जाएगा। घर के आयरन को स्मेल करने दिया और सारा कचरा एक चेस्ट में बंद कर दिया। उसके बाद हम चले गए बहुत सारा वुड कलेक्ट करने। विलेज के आसपास कोई भी जंगल नहीं था इसलिए विलेज से बहुत दूर आना पड़ा। इतना वुड काफी है। घर आके मैं अपना काम कर ही रहा था तभी अचानक तो ज़ॉम्बी घुस आया घर में। ज़ॉम्बी को डिफीट करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हे गाइस, अगले दिन मैं आ गया सैंड और ग्रेविल कलेक्ट करने क्योंकि मैं अपना घर कंक्रीट से बनाना चाहता था। विलेज के इस साइड में मैं अपना हाउस बिल्ड करने वाला हूँ इसलिए जगह को थोड़ा सा साफ कर लिया। लगभग इतना काम गाइस लगभग इतना काम हो गया। सो गाइस ये देखो हमारा घर कंप्लीट हो गया है। ये है घर में जाने का रास्ता और इस जगह पे थोड़ा बहुत फार्मिंग वगैरह किया है। तो अब घर के अंदर देखते हैं और यहाँ पे कुछ लिखा है गाइस, पढ़ लेना। घर के अंदर कुछ इस तरीके से मैंने सजाया है,
मुझे उतना भी डेकोरेट करना नहीं आता। और गाइज यहाँ पे जो लिखा है वो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस घर के नीचे एक चेस्ट रूम है कुछ ऐसा। अब बाहर चल के रात का नज़ारा देखते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।